यार एक बार फिर से भाई सभी भाइयों का चैनल पे स्वागत है। यार जैसा कि आप सबको याद होगा बहुत ज्यादा गंदा हो रखा था फ्लोर की, आज पूरी तरीके से सफाई कर दी है। सोच रहे होगे लक्ष्य भाई कैसे इससे साफ सफाई में घुस गए, आप सफाई करते नहीं हो, वो कुछ काम करना है। साफ सफाई कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे क्या रहता था, कौन सा डॉग रहता था बताओ जल्दी बताओ। हाँ पाकिस्तानी बुल्ली, जो की डेवी हमारा पाकिस्तानी बुल्ली था, उसको वहाँ पे प्लॉट पे ले गया था। इसी सोफे पे वो सोता था, उसमें एक कमी थी जो है बाल बहुत ज्यादा झड़ते थे। इस वजह से मेरे घर के उन्हें उसको निकाल दिया, तू रहेगा या ये रहेगा, अभी मजबूर प्लॉट पे ले गया। उसको प्लॉट पे ले जाने के बाद हमारे पास वापस से वहाँ पे 3 या 4 डॉग हो गए थे। का फायदा उठा के पता नहीं हमसे लापरवाही हुई कि कैसे क्या हुआ फट गया, और भाई वहाँ जहाँ से हम लेकर आए थे उसी भाई के पास चला गया। फिर हमको देने से मना कर दिया भाई ने, बोला ये अब नहीं मिलेगा, अगर चाहिए है तो दोबारा पैसे दो फिर मिलेगा। मेरे पास वैसे इतने सारे डॉग हो चुके थे वहाँ पे, छोड़ दिया चलो कोई बात नहीं भाई, किसे केयर करना। भूमेश को मैंने दे रखी है एक पिटबुल, जिसको चोरी करके लेकर आए थे बस्ती वाले इलाके से, बड़ी मुश्किल से भाई चोरी करके लेकर आए, बहुत बुरी हालत कर रखी है उसकी, जो दोनों टांगे ना वो खराब कर रखे पीछे वाली। वीडियो में देखूंगा जब भूमेश के पास जाऊंगा। दिक्कत ये पड़ रही है प्लॉट पे पहले ही 2 डॉग हैं, जैक और रोक्सी, दोनों के दोनों फाइटर डॉग हैं। मैं सोचा था जैक को भी फ्रेंडली बना दूंगा, जैक तो रोक्सी का भी बाप निकला, तो ऐसा हो रखा भाई छोटे बच्चों को देख के ही पकड़ने लग जाता। एक बार तो मैंने वीडियो नहीं बनाई लेकिन उसने रोक्सी का काम तमाम ही कर दिया था, बिल्कुल काम तमाम कर दिया था, यहाँ से फाड़ दी होती तुरंत छुटवा दिया, मतलब कैसे क्या करके मेरे को ही पता। पर यार जो फीमेल डॉग हमने रेस्क्यू करी है वो तो रोक्सी भी बहुत ज्यादा शरीफ है, जैक रोक्सी को ही नहीं छोड़ता, फीमेल डॉग का तो क्या करेगा यार, उसको वहाँ पे नहीं ले जा सकता, मेरे को जैक को यहाँ पे लाना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। यार जैक मेरे घर वालों पे हमला कर देगा क्योंकि जैक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो इंसानों पे हमला करता, मेरे को तो कुछ नहीं कहता, इंसानों की तरफ हमला करता, जैसे जो मेरे पे चिल्ला दिया किसी बुल नस्ल जो कुत्तों को नहीं छोड़ती, लेकिन वो इंसानों को ही नहीं छोड़ता। यार मैं सोच रहा हूँ उस फीमेल डॉग को यहाँ पे लेके आऊँ, इसलिए यहाँ की पूरी सफाई कर दी है मैंने, उसके लिए मेरे को घर वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी, मम्मी से। मम्मी परमिशन, यार मैं क्या बताऊँ, अब देखते हैं, पूछ के देखते हैं कैसा क्या होगा। मम्मी यार ये कुत्ता देख कैसा है, इसका तो देख तो सही, पहले देख तो सही, ये पता है सुन मेरी बात सुन, वहां पर बस्ती वाले नहीं है उनके पास से अब लेकर आए हैं, उन्होंने बहुत बुरी हालत कर रखी थी इसकी, अब ले आऊं क्या इसको? अरे तीसरी के ऊपर रखेंगे। अच्छा ठीक है, इसके बिचारी का इलाज वगैरह करवा कर ठीक हो जाएगा। तीसरी पे अरे इसके पैर ठीक, इसके पैर ठीक हो जाएंगे मम्मी, फिर तीसरी पर रखने की कोई जरूरत नहीं, बता दी ना। मैं लेख अरे रबिये देख नहीं चाहिए फ्रीमा है। अच्छा ना चाहिए मम्मी, ना 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 चाहिए, ना चाहिए। फोन तो दे दे, फोन दे दे, यार अभी है ना मेरे पास मेरे दोस्त का कॉल आया, जल्दी छत पे जा, तेरी छत पे मेरा कबूतर गिरा है आके, पंख कट रखे हैं। बैड न्यूज ये है मेरे पापा नीचे बैठे हुए हैं, कीमत पे यार उसका कबूतर पकड़ के देना पड़ेगा, अगर मेरे पापा के हाथ लग गया मेरे पापा बिल्कुल भी नहीं देंगे, मेरे पापा की नजर में आए इससे पहले मेरे को पकड़ के नीचे रखना पड़ेगा। वो बहुत प्यारा मतलब दिल का भाई है अपना, मतलब बहुत प्यारा भाई है, मेरे कबूतर के चक्कर में दोस्ती ना खराब हो जाए। भाई साहब यार क्या कबूतर बैठ रखा भाई, मेरे दोस्त का क्या कबूतर आ रखा, बिल्कुल बाजी वाला, मन में लड्डू फूटा, कलर भी लग रखा है, पंख कट रखे इस कबूतर के, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे किसी भी कबूतर को कलर नहीं लग रखा, ये जो ऊपर जाने की कर रहा ना, ये अभी फिलहाल यहाँ पे जब मैं आया ना, जब यहाँ पे बैठा था अभी नीचे उतरा हाल फिलहाल में, लेकिन ये मेरे को देख के फिर से ऊपर जाने, मैं धीरे धीरे यहाँ के दाना फेंकता हूँ इसके आगे। हमारे कुछ कबूतर निकले हैं जो ज्यादा नहीं उड़ते, किसी भी कीमत पे पकड़ना पड़ेगा। ले आ आ आ आ, पूरा भूखा कबूतर है, बता रहा था कि ये बच्चों पे से भाग का रखा है, पूरे पंख वगैरह कट रखे इसको, जाके गेट खोल देता हूँ अंदर का, जिससे कि मैं इसको अंदर की तरफ धकेलूंगा, क्योंकि यार ये सही जगह पे है और दाना भी मैंने वहां पे फेंका है, ताकि मैं इसको अंदर दड़बे में धकेल पाऊं। इसके पंख वगैरह कट रखे तो मेरे को जल्दी से करना पड़ेगा, ऊपर से मेरे पापा ना आ जाए ऊपर। यार इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी दोस्ती में, यार कबूतर वगैरह कुछ भी मायने नहीं रखता। ये देखो ये कबूतर भाई बहुत ही शानदार कबूतर है, ये गुलाबी रंग लग रखा, और ये देखो बाकी जो कबूतर पालते वो देख के समझ गए होंगे क्या चीज है ये, सफेद आंखों में है। अरे यार जंगली हो तुम, मत तो ये धोई रहा, आराम से इसको गेट खोला, आराम से इसको करता हूँ अंदर ले जाने की कोशिश। अरे तुम लोग बाहर क्यों निकल लग रहे हो, चल 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 यार, मेरे पापा बोल रहे हैं कबूतर की सुनने का। ये लो भाई, ये लो, वाह ये लो भाई, पहली बार ऐसा हुआ है यार, काश ये तू मेरे दोस्त का कबूतर नहीं होता ना, मजा ही आ जाता। ये फाइनली आपके भाई ने इसको पकड़ लिया, मैं आपको दिखाता हूँ शोक करके कैसा क्या कबूतर है। ये देखो ये आ गया,
ये आ गया। पकड़ने वाले कबूतर आते हैं तो भी इतनी आसानी से हाथ में नहीं आते, देना पड़ेगा। इसलिए ये देखो कितनी आसानी से हाथ में आ गया और कितना क्या कबूतर आया है यार। ऐसे कबूतर बिल्कुल हाथ में नहीं लगते। टाइम बाद मैंने कोई कबूतर पकड़ा था पीछे से इस छत पे, देना नहीं होता तो भाई प्लॉट पे लेके जाता, लेकिन अब मेरे को मेरे दोस्त को देना पड़ेगा। ये देखो इसके कबूतर ने ऐसे, उसने ऐसी निशानी बताई थी, बाजू पे कलर है गुलाबी और पूंछ पे कलर। ये देखो ये कबूतर को कलर वगैरह नहीं लग रखा, आप देख सकते हो, कहीं ये लगे आपको ये मेरा कबूतर है। चलते हैं फटाफट नीचे। अभी शाम का टाइम हो रखा है, हम अपने प्लॉट पे आए थे, हमारे कबूतर सुबह से हमने उड़ा रखे हैं, अब तक नहीं बैठे यार। मतलब हम 1 बजे करीब करीब उड़ा के गए थे जब आए थे यहाँ पे, 8 बजने वाले हैं, 7 घंटे होने वाले हैं कि बिल्ली के यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको हम पकड़ने की ट्राई करने वाले हैं। ओए ओए ओए, बिल्ली से हमेशा बच कर ही हो, अगर इसकी माँ गिराल कर देगी आँख सीधे आँख पे वार करती है। बिल्ली पकड़ना जरूरी है, कुत्ते कतरेंगे। जल्दी आ यार, तू ही कर सकता है ये काम। और अरे तू ही तो है मौत का सौदागर यार। ओ बच्चे पकड़ने जंग ना लड़नी भी नहीं रहे। ओए ओए तू बिल्ली का ध्यान रखियो, कोई ऐसा ना हो अचानक आवे। रुक जा, हटा हटा, मेरे को देखने दे। वो लगा अंदर घुस रखे हैं। कहाँ पे यार? ये देखो बच्चों, फुटबॉल नीचे गिर गई, उसको जैक छोड़ी ना रहा है चाहे उनकी मम्मी, वो अपनी मम्मी को बताने गए हैं। पागल उसे ले ले, अरे तू पागल होगा, उसे ले ले यार, वो अपनी मम्मी को बताने गए आप वहां से। ओए ओए कट है, बोल पकड़ा था मतलब। भूमेश तू पकड़ यार, पकड़ यार भूमेश, समझा कर, ले 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 यार, वो अपनी मम्मी से बता देगा। अरे यार ना कट है, पकड़ ले पकड़ ले जैक, ना कट है यार, पकड़ तो। ओए ओ भाई साहब, ओए ओए फाड़ देगा यार, बोल फाड़ देगा, पकड़ ले यार, पैसे देने पड़ेंगे फिर उनको यार, तू समझ ना रहा बात, पकड़ने न सर तेरा कुत्ता, तेरे कोई ना पता। पकड़ भूमेश तू पकड़, थक ले 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 ले, थक गया ले, आज तुम्हारे बस की कुछ ना। ओए अरे यार ये मेरे को ऐसे, भाई मेरा कुत्ता नहीं है, नहीं तो रोक्सी होती ना अब तक, तो मैं ले लेता। देखो अपने कुत्ते से कितना डर रहा है बोल लेने से, क्योंकि इसको काटने की कोशिश कर रहा है जब ऐसे ले रहा है ना। ले 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 ले, मुक्का मुक्का ले ले, आराम से आराम से ले 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 ले, अरे ले ले ले, ओ दे 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 ले ले ले, आराम, हाँ 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 ले 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 ले, भूमेश भूमेश तू ले ले, भूमेश तू ले 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 ले, भूमेश उठा ले, अरे यार पागल कुछ ना कहे, ले 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 ले, हाँ हाँ कर दे कर दे कर दे, भूमेश की तरफ पार्सल कर दे कर दे कर, हाँ बन गई बात। ओ ये क्या रे, ये क्या करने लग गया आज, हमने बहुत रिस्क वाला काम किया और पहली बार किया है। वैसे तो हम पट्टा लगा के घुमाते हैं, एक को ऐसे खुले में छोड़ा है, आपको बता दूं ये छोटे बच्चों को तो भाग कर पकड़ लेता, इसको इसको कुछ ना कहता यार, बाहू ने बड़ोले था। मेरे को लगता है ये भाई मिठा कुत्ता है, अभी इसने इसके साथ भी दोस्ती कर ली, इसको भी ये कुछ नहीं कहता। बाकी अगर देसी कुत्ता कोई भी इसके सामने इसके, इसके साथ करोगे रोकी को कुछ कहना, फिर उसको काट देता है। जो देसी कुत्ता अगर रोकी को कुछ कहता है तो ये भाई छोड़ता नहीं है बिल्कुल, अगर इसके आगे कोई आ गया छोड़ेगा नहीं, और कोई इंसान भी आ गया तो भी नहीं छोड़ेगा। ने बहुत बड़ा रिस्क लिया, पहली बार आज इसको बिना पट्टा लगाए घुमाया है। खरगोश वगैरह भी घूमते रहे, कहीं ऐसा हो पकड़ कर दाब दे हो। अरे कुछ ना दाब यार, पकड़ माओगे खरगोश, पिटबुल तो खरगोश को नहीं पकड़ पाएंगे, इनकी रफ्तार बहुत होती है जंगली खरगोशों की। डोबरमैन जो नस्ल है ना डॉग्स की, वो तो भाई आराम से पकड़ लेगी। वो शूटर कुत्ता हो।